दोस्तों, अगर आप बार बार डीडी फिर इसके पुराने मूवी चैनल्स पर वही एक टाइप की फिल्में देख देख कर बोर हो गए हैं तो बस थोड़ी सी मेहनत करके एलसीएन नंबर 70 पर जाए, क्योंकि 70 mm स्क्रीन वाली फीलिंग अब चैनल नंबर 70 पर लेकर आ गया है एक्शन सिनेमा चैनल, जहां मिलेगी धमाकेदार एक्शन एंटरटेनर फिल्में। देखिए एक से बढ़कर एक मसाला बॉलीवुड और साउथ एंटरटेनर फिल्में डीडी फिर इसके चैनल नंबर 70 एक्शन सिनेमा चैनल पर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नायक जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ऐसे सुपरस्टार्स की धमाकेदार एक्शन से भरपूर फिल्में देखिए एक्शन सिनेमा अब डीडी फ्रीडिश के चैनल नंबर 70 पर। अब एक्शन सिनेमा चैनल को आपको अपने डीडी फिर के सेप्टोक्स में ऐड करने के लिए सिर्फ छोटी सी सेटिंग करनी है। आपको अपने डीडी फिर के सेप्टोक्स के रिमोट से मेन्यू का बटन दबाना है। मेन्यू ओपन होने पर एडिट प्रोग्राम में जाइए और डिलीट ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट करके ओके दबाएं। अब फिर से मेन मेन्यू में जाएं, फिर प्रोग्राम सेटअप में जाएं और ऑटो स्कैन के ऑप्शन में जाएं और एलएनबी फ्रीक्वेंसी में 09750 09750 भरें और रिमोट से ओके दबाएं। अब एक से दो मिनट का वेट करिए। अब आपके सेप्टोक्स में सभी चैनल सर्च हो चुके हैं। अब आप चैनल नंबर 70 पर देख पाएंगे एक्शन सिनेमा चैनल। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक है। आज से तो सिर्फ शिवा नहीं, छत्रपति है। देखिए एक्शन सिनेमा अब डीडी फ्रीडिश के चैनल नंबर 70 पर। और दोस्तों, 26 अप्रैल से चैनल नंबर 73 पर दिलचस्प कहानी वाली फिल्में लेकर आ रहा है जी का एक नया हिंदी मूवी चैनल जी अनमोल सिनेमा 2। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने डीडी फ्रीडिश के सेप्टोक्स में एक्शन सिनेमा चैनल को आसानी से ऐड कर सकते हैं और 26 तारीख से जी अनमोल सिनेमा 2 को देखने के लिए अपने सेप्टोक्स को वापस से रीट्यून करें। अब दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल डीटीएस ट्रिक्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए घंटी के निशान को दबा के ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।